इंदौर शहर में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर आज पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने से लेकर शहर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी व वाहन चोरी पर अंकुश लगाने हेतु समीक्षा की गई। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन वाहन चोरी की घटनाएं और शराबी लोगों द्वारा अड्डाबाजी उत्पात मचाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में विशेष तौर पर इंदौर शहर में चिन्हित ऐसे स्थानों की चर्चा हुई जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है। इस विषय पर चर्चा के दौरान पुलिस द्वारा लगभग 1500 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है अथवा शहर में लगातार बढ़ती वाहन चोरी पर अंकुश लगाने हेतु समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में आईपीसी की धारा 363 के मामले पर भी चर्चा की गई। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट। आज क्राइम को लेकर हमारी थी मीटिंग थी और जिसमें हम सभी अधिकारियों के साथ अभी बैठक जारी भी रहेगी आगे भी। इसमें मुख्य रूप से आज जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो सीसीटीवी कैमरे हम कैसे अधिक से अधिक स्थानों पर लगा सकें, उसमें सभी लोगों ने अपने अपने प्रयास से आम जनता से बात करके लगभग ऐसा मुझे लगता है कि लगभग 1500 ऐसे स्थान हैं जिनमें अभी नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हुए हैं। आज़ाद नगर अनुभाग ने इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने मोटरसाइकिलों का निकाल, मोटरसाइकिल वाहन चोरी पर रोक कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में भी हमारी एक विस्तृत चर्चा हुई है। धारा 363 का जो पुराने आईपीसी के ऑफेंस है उसमें क्या निकाला अभी तक हमारा हुआ है इस पर भी हमारी चर्चा, अभी बैठक अधूरी है, बैठक हमारी लगातार जारी है।